नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। धमाकों में लिप्त रहे आतंकियों की संपत्ति जब्त करेगा श्रीलंका। ईस्टर के मौके पर श्रीलंका को आत्मघाती धमाकों से दहलाने में लिप्त रहे आतंकवादियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। श्रीलंकाई अधिकारी ऐसे लोगों की संपत्तियों की पहचान करने में जुट गए हैं। श्रीलंका में गत 21 अप्रैल को हुए इन हमलों में 3 चर्चों और 3 होटलों में निशाना बनाया गया था। इसमें 253 लोग की मौत हो गई थी। पुलिस प्रवक्ता एसपी रुआन गुनसेकरा ने बताया कि आपराधिक जांच विभाग ने हमले में लिप्त लोगों की संपत्तियों की पहचान करने और उनकी सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पुलिस ने धमाकों से जुड़े हमलावरों और उनके रिश्तेदारों का विवरण बुधवार को जारी किया था। गुनसेकरा ने कहा कि मोहम्मद काशिम मोहम्मद जरहान उर्फ जरहान हाशिम ने आत्मघाती हमलावरों का नेतृत्व किया था। मायावती पर प्रियंका गांधी का पलटवार। रायबरेली में अपनी मां सोनिया गांधी के लिए प्रचार कर रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बड़ा बयान दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के बजाय मरना पसंद करूंगी। हालांकि बीएसपी सुप्रीम मायावती ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस गुप्त तरीके से भाजपा को फायदा पहुँचा रही है। प्रियंका गांधी ने कहा, मैंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, हमारे उम्मीदवार मजबूती से लड़ रहे हैं। मैं बीजेपी को फायदा पहुंचाने के बजाय मरना पसंद करूंगी। हमने ऐसे उम्मीदवारों का चुनाव किया है जो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे या भाजपा को वोट काटेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रियंका गांधी के उस बयान को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर सीटों पर कमजोर उम्मीदवार उतारे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे इस बात पर भरोसा नहीं है कि कांग्रेस ने कहीं भी कमजोर उम्मीदवार उतारे हैं। कोई पार्टी ऐसी नहीं करेगा, लोग उनके साथ नहीं है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच कोई फर्क नहीं है। श्रीनगर बारामूला हाईवे के बीच सिविल ट्रैफिक पर लगाई पाबंदियां सरकार ने हटाई। जम्मू कश्मीर सरकार ने गुरुवार को कहा कि श्रीनगर और बारामूला के बीच NH44 पर सिविल ट्रैफिक पर लगाई पाबंदियों को पूरी तरह से हटा दिया है। अब रविवार या बुधवार को इस मार्ग पर नागरिक यातायात पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यह आदेश वीरवार से प्रभावित होगा। हालांकि प्रतिबंध श्रीनगर उधमपुर राजमार्ग पर हमेशा की तरह लागू रहेगा। इसकी समय समय पर समीक्षा की जाएगी और प्रतिबंध को कम करने के लिए आवश्यकता अनुसार छूट दी जाएगी। सरकार की ओर से गुरुवार को जारी किए गए बयान में कहा गया है कि श्रीनगर और बारामूला के बीच NH44 पर सिविल ट्रैफिक पर लगाई पाबंदियों को पूरी तरह से हटा दिया है। अब रविवार या बुधवार को इस मार्ग पर नागरिक यातायात पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।